हेलो एवरीवन रोन ये है दिसंबर 2024 की लव आरो रीडिंग आई एम वेरी सॉरी आपकी दिसंबर मंथ की रीडिंग्स लेट हो गई वीकली भी नहीं अपलोड हो पाया एक्चुअली मैं पीछे बहुत ट्रैवल कर रही थी मुझे एल ए विजिट करना पड़ा अपनी सिस्टर को और अभी मैं इंडिया में हूँ आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल होती है ना टाइम जोन डिफरेंस की वजह से बड़ा हॉटस्पॉट हो जाता है इतना मैंने ट्राई किया कि मैं आपके लिए वीकली अपलोड कर दूँ आपका मंथली टाइम से जाए बट नहीं हो पाया एंड आई होप कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे और अभी भी देखिए दिसंबर मंथ पूरा बाकी है आज फोर्थ दिसंबर है आपकी मंथली रीडिंग अपलोड हो गई है और बहुत जल्दी ईयरली रीडिंग्स भी अपलोड हो जाएंगी एंड आई एम कमिंग अप विद वेरी एक्साइटिंग थिंग फॉर 2025 सो स्टे ट्यून्ड और चलिए जी आपकी मंथली रीडिंग शुरू करते हैं तो अगर आप जानना चाहते हैं दिसंबर मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या होगा आपके पार्टनर की आपकी क्या एनर्जीज होंगी तो ये रीडिंग आपके लिए है और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहे वो आपका लगन हो नाम के हिसाब से राशि हो आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो तो चलिए जी आपकी मंथली लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं डेरेस आप लोगों के लिए देखें कि दिसंबर 2024 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है मेरे पास यहाँ पे तीन सेट ऑफ़ कार्ड्स हैं फर्स्ट सैट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे सेकेंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं चाइल्ड एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स और ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से यहाँ दिसंबर स्टार्टिंग में एक प्लेफुलनेस एक फ़न मज़ा मस्ती वाली एनर्जीज आपकी रह रही हैं होता है ना कभी कभी हमें लगता है कि भाई हमें अच्छे से इन्जॉय करना है पार्टनर का साथ पार्टनर की अटेंशन पार्टनर का एक लव और कहीं देखिए चाइल्ड का कार्ड न्यू बिगनिंग की भी बात करता है तो ये न्यू बिगनिंग सबसे डीडेरेस के लिए डिफ़र करेगी कुछ के लिए हो सकता है कि कोई नया इंसान है जिनसे आप कनेक्ट कर रहे हैं कनेक्ट करना चाह रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है पुराने रिलेशनशिप में नए सिरे से चीज़ें चाह रहे हैं अब देखिए ये भी सबसे धीरे के लिए डिफ़र करेगा अगर कुछ इश्यूज मसले रह रहे थे उनको रिजॉल्व करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं या फिर एक फ्रेशनेस एक नयापन अपने रिलेशनशिप में लाना चाह रहे हैं लेकिन इसी से ही रिलेटेड या अदरवाइज भी उतनी अटेंशन आप अपने पार्टनर की तरफ से नहीं महसूस कर रहे हैं जैसे होता है ना कभी कभी हमें लगता है कि पार्टनर अगेन मैं कहूँगी हमें उतनी अटेंशन नहीं दे रहे हैं अपनी चीज़ों में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं या फिर यू you नो know, एक अकेलापन एक बहुत ग्रेट फीलिंग आप नहीं महसूस करते हुए दिख रहे हैं और इसके लिए सब डिटेरियस के लिए डिफरेंट रीज़न्स रहेंगे अभी हम आपके पार्टनर के कार्ड्स देखेंगे दिसंबर मंथ की एनर्जीज़ देखेंगे तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी बट फिलहाल के लिए कहीं दिसंबर स्टार्टिंग में एक रिजेक्शन भी मैं कह सकती हूँ हालांकि रिजेक्शन बहुत बड़ा एक शब्द होता है अगर मैं यू नो ब्रॉडर लेवल के लिए कहूँ तो कहीं आपको ऐसा लग सकता है फिर से मैं कहूँगी कि पार्टनर उतना आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं उतनी अहमियत नहीं दे रहे हैं उतना इंक्लूड नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे देखिए नो के कार्ड में भी डिनाइड अबैंडन रिजेक्शन लिखा हुआ है तो कहीं फ़ाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड नो के कार्ड सिमिलर सी एनर्जीज की बात करते हैं तो मिड दिसंबर तक इनफैक्ट आप ये फील कर सकते हैं या कुछ के लिए दिसंबर मंथ भी हो सकता है कि जितना अटेंशन उनका जितना एक लव केयर आप डिज़र्व करते हैं आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपको नहीं मिल रहा है या तो वो किसी चीज़ के लिए आपको मना कर रहे हैं या फिर ये भी हो सकता है सेलिटेरियस ये एनर्जीज आपकी आपके पार्टनर के लिए हैं यानी कि आप अपने पार्टनर को इतना प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं या फिर आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं और यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का, का कार्ड कहता है कि थोड़ा सा एक आपकी इमेच्योर एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं इनफैक्ट देखिए आई डोंट नो मिड दिसंबर में आपको इस चीज़ की रियलाइजेशन होती है या फिर लेटर रियलाइजेशन हो कि इ की वजह से चीज़ें आपने खो दी या फिर इम की वजह से इश्यूज मसले हो रहे हैं तो अगर ऐसा आप मिड दिसंबर में या दिसंबर मंथ में किसी भी टाइम पे पाएँ तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें क्योंकि अगर आपने इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करा तो आप अपने रिलेशनशिप को बेटर कर पाएंगे मैंने हमेशा कहा है कि टैरो गाइडेंस के लिए होता है तो इस रीडिंग से भी आप गाइडेंस लें और फिर से मैं कहूँगी पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है आपकी तरफ से एक इमेच एनर्जीज रहते हुए दिख रही हैं एंड एंड दिसंबर के लिए थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड वर्क के कार्ड्स कहते हैं या तो आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अब देखिए सबके लिए डिफरेंट रीजन रहेंगे कुछ के लिए हो सकता है सरकम सिचुएशन ऐसी है कि आपको अपने वर्क फ्रंट पे फोकस करना पड़ रहा है आपका यू नो वर्क आपकी अटेंशन डिमांड कर रहा है और कहीं आप उस तरीके से अपने वर्क पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं उस तरीके से आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप पे एफर्ट करना चाह रहे हैं मेहनत करना चाह रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा आप किसी से सलाह ले रहे हैं आप किसी से गाइडेंस ले रहे हैं लेकिन कहीं वो गाइडेंस भी आपको फिर से मैं कहूँगी समझ में नहीं आ रही है कभी कभी होता है ना सामने वाला हमें एडवाइस दे रहा होता है और हमें लगता है कि इस एडवाइस से कोई फ़ायदा नहीं होगा ये एडवाइस रेलिवेंट नहीं है तो कहीं न फिर से मैं कहूँगी एडवाइस आपको मिल रही है आप ले रहे हैं लेकिन उससे तो कोई फायदा नहीं हो रहा है या फिर आप उस एनर्जी से अलाइन नहीं कर पा रहे हैं और अब देखते हैं सेटेरियस की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं तो आपके पार्टनर के लिए सबसे पहले कार्ड्स हैं सन एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स और सन का कार्ड कहता है कि दिसंबर स्टार्टिंग में आपके पार्टनर बहुत एक्साइटेड बहुत एंथुजियास्टिक बहुत एनर्जेटिक आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए रहते हुए दिख रहे हैं हमने आपके लिए देखा था चाइल्ड में प्लेफुलनेस वाली एनर्जीज़ हैं आपकी और आपके पार्टनर की भी कहीं सिमिलर एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं लेकिन सरफेस लेवल के लिए नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि बहुत यू नो अपने आप को एक डिसिप्लिन तरीके से वो चल रहे हैं इस रिलेशनशिप में यानी कि एक हेल्दी बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रहे हैं जैसे होता है ना कभी कभी हम बड़े ही फ्रीली रिलेशनशिप में अपनी एनर्जीज रखते हैं या फिर फ्रीली पार्टनर को दे रहे होते हैं और कभी कभी हम बहुत बैलेंस तरीके से बहुत एक अगेन हेल्दी बाउंड्रीज़ देखिए मैंने हेल्दी वर्ड यूज़ किया है तो बहुत एक हेल्दी बाउंड्रीज़ क्रिएट करते हुए चीज़ों को डील कर रहे हैं थोड़ा सा उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपके ऊपर इमोशनली मेंटली फिज़िकली या किसी भी तरीके से डिपेंडेंट नहीं होना चाह रहे हैं और वो खुद को प्रायोरिटाइज करते हुए दिख रहे हैं अब देखिए मैं आपके पार्टनर और आपकी एनर्जीज़ को कनेक्ट करके देखूँ तो ये बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं सिलिटेरियस की क्योंकि आपके पार्टनर सेल्फ को बहुत प्रायोरिटाइज कर रहे हैं अहमियत दे रहे हैं और इसी वजह से शायद आपको ऐसा लग सकता है कि आपको वो इतना प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है सबसे के लिए एप्लीकेबल होगा ये मैं नहीं कह सकती हूँ क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा बट ब्रॉडर लेवल के लिए फिर से मैं कहूँगी खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं खुद को अहमियत दे रहे हैं बहुत आपके ऊपर किसी भी चीज़ के लिए डिपेंड नहीं होना चाह रहे हैं और डिसिप्लिन के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं एंड मिड दिसंबर के लिए माइस एंड डेथ के कार्ड्स कहते हैं कि उनको एंगजाइटी हो सकती है रेस्टलेसनेस हो सकती है किसी चीज़ को लेकर एक फिक्र भी हो सकती है और यहाँ पे देखिए इस कार्ड में लिखा हुआ है लॉस ऑफ लव तो जो भी उनकी एनर्जीज कुछ टाइम से हैं दिसंबर स्टार्टिंग में रह रही हैं उसकी वजह से उनको ऐसा लग सकता है कि कहीं वो आपको खो ना दें कहीं वो आपको यू नो नाराज़ ना कर दें और इसीलिए किसी चीज़ को एंड करके नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं अब देखिए अगेन डेथ का कार्ड एंडिंग बिगनिंग की बात करता है बट ये एंडिंग बिगनिंग सबके लिए डिफर करेगी कुछ सेजिडेरियस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि जो भी इश्यूज मसले अगर आप दोनों के बीच में चल रहे हैं उनको एंड करके एक फ्रेश स्टार्ट फ्रेश बिगनिंग आपके साथ करना चाह रहे हैं और इक्का दुक्का सजिडेरियस के पार्टनर के लिए यह भी हो सकता है कि वो इस रिलेशनशिप को एंड करना चाह रहे हैं अब देखिए मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि वो एंड कर रहे हैं बट एक थॉट रह सकता है और इक्का दुक्का के लिए अगेन ये भी हो सकता है कि इस तरीके के उनकी तरफ से एक्शन इनिशिएटिव्स हैं जो भी हो कोई चीज़ एंड करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं रीज़न अगेन सबसे रिटेरियस के पार्टनर के लिए डिफर करेगा लेकिन डीपर लेवल के लिए माइस का कार्ड कहता है एक फियर है एक इनसिक्योरिटी है आपको खो ना दें या फिर किसी भी चीज़ को लेकर एक अगेन फिक्र रहती हुई दिख रही है और यहाँ पर एंड दिसंबर के लिए एट ऑफ कप्स एंड शील के कार्ड्स कहते हैं कि शायद इन्हों उनकी तरफ से एक डिस्टेंस पीछे रहा अब पीछे कोई भी टाइम फ्रेम हो सकता है कुछ के लिए दिसंबर मंथ ही हो सकता है और हमने देखा भी कि वो खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं हेल्दी बाउंड्रीज़ बना के चीज़ों को डील कर रहे हैं और कहीं यहाँ पर या सो कुछ एंडिंग बिगनिंग भी कर रहे हैं तो हो सकता है कि एक डिस्टेंस उनकी तरफ से आ रहा था और कहीं एंड दिसंबर में वो डिस्टेंस कम करना चाह रहे हैं यानी कि, कि किसी भी चीज़ को छोड़कर वो आगे बढ़े उसके पास वापस आना चाह रहे हैं अब अगर आपसे वो एक डिस्टेंस कर रहे थे वो थोड़ा सा आपको छोड़कर आगे बढ़ रहे थे किसी भी लेवल पे, मतलब इमोशनली इतना नहीं कनेक्ट कर रहे थे या मेंटली इतना नहीं कनेक्ट कर रहे थे तो कहीं एंड दिसंबर में वो वापस यू you नो know, आपसे एक इमोशनल कनेक्ट बनाना चाह रहे हैं मेंटल कनेक्ट बनाना चाह रहे हैं या फिज़िकल लेवल पे भी इतना आपसे नहीं मिल पाए इतना आपसे नहीं यू you नो know, um, आपके साथ डेट पे जा पाए तो कहीं इन्हीं चीज़ों को ठीक uh, करना चाह रहे हैं या फिर ब्रॉडर लेवल के लिए एट ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है आपके पास वापस आना चाह रहे हैं और डीपर लेवल के लिए शील्ड का कार्ड कहता है साथ ही साथ बहुत कॉशियस बहुत uh, कॉन्शियस भी होते हुए दिख रहे हैं अगेन देखिए अगर मैं ओवरऑल देखूं तो आपके पार्टनर की फ्री फ्लोइंग एनर्जीज़ इस रिलेशनशिप के लिए आपके लिए दिसंबर मंथ में नहीं रहती हुई दिख रही हैं कहीं कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कहीं कुछ लिमिटेशंस हैं कहीं चीज़ों को बेहतर भी करना चाह रहे हैं फिर भी शील्ड का कार्ड कहता है कि खुद को प्रोटेक्ट भी आ, करना चाह रहे हैं अब देखिए फिर से सब सेरिडेरियस के पार्टनर के लिए डिफर करेगा लेकिन शील्ड का, का कार्ड कहीं गार्डेड एनर्जीज़ uh, की बात करता है कहीं कॉशियस होने की बात करता है कहीं विड्रॉ करने की बात करता है और शील देखिए खुद को प्रोटेक्ट भी करने के करने को रिप्रेजेंट करता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स लव रिलेशनशिप्स में हमें ये डर लगता है कि कहीं हम हर्ट ना हो जाएं हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं या फिर वट रीज़न रहे तो हम कहीं ख़ुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं या मैं कहूँगी अपने दिल को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो कुछ ऐसा सा आपके पार्टनर की तरफ से रहता हुआ दिख रहा है और अब देखते हैं सटरडेरियज की दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है तो देखिए आपकी जो भी एनर्जीज़ हो हमने देखा कि आप भी किसी लेवल पे थोड़ा सा निगलेक्ट फील कर रहे हैं और आपके पार्टनर भी यू uh, नो you know, उतना फ्री फ्लोइंग तरीके से uh, नहीं चीज़ों को डील कर रहे हैं लेकिन फिर से जो भी आप दोनों की एनर्जीज हो कहीं दिसंबर स्टार्टिंग अच्छा जाता हुआ दिख रहा है चीज़ें बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही हैं सेज का कार्ड कहता है जो भी नेगेटिविटी है उसको आप दोनों मिल क्लियर करना चाह रहे हैं एक हीलिंग होती हुई दिख रही है और बहुत तेज़ी से दिसंबर स्टार्टिंग बीत जाएगा आपको इतना समझ नहीं आएगा हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हैं ट्रैवल करना चाह रहे हैं ट्रैवल से रिलेटेड प्लानिंग बन रही है और चीज़ें फिर से मैं कहूँगी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं मिड दिसंबर में छोटे मोटे इश्यूज रह सकते हैं एक लिमिटेशन एक रिस्ट्रिक्शन आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को महसूस हो सकती हैं नीचे स्प्रिट का कार्ड कहता है कि, कि किसी चीज़ की रियलाइजेशन किसी चीज़ का एहसास भी इस टाइम पीरियड में रह सकता है थोड़ा सा होपलेस थोड़ा सा हेल्पलेस भी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर सकते हैं कन्फ्यूजन भी रह सकती है ऐसे लग सकता है कि बहुत कुछ करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे हैं लेकिन एंड दिसंबर में जो ये रिस्ट्रिक्शंस हैं जो ये इश्यूज मसले हैं उनसे फाइट आप दोनों मिलकर करते हुए दिख रहे हैं डीपर लेवल के लिए डॉग का कार्ड कहता है जो भी आपकी एनर्जीज हो जो भी आपके पार्टनर की एनर्जीज हो आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत बहुत फेथफुल हैं बहुत बहुत लॉयल हैं और बहुत एक पक्की वाली जैसे बोलते हैं ना दोस्ती एक दूसरे के लिए आप लोगों के मन में रहती हुई दिख रही है और मिल के जो भी इश्यूज मसले हैं उनको फाइट करते हुए दिख रहे हैं और किसी लेवल पे उस पर कामयाबी भी हासिल करते हुए दिख रहे हैं क्योंकि देखिए सोट का कार्ड जहाँ सिचुएशन और से फाइट करने की बात करता है वहीं सोट के ऊपर क्राउन का कार्ड कहीं विक्ट्री सक्सेस को भी रिप्रेजेंट करता है तो कहीं चीज़ें किसी लेवल पे बेहतर एंड दिसंबर में रह सकती हैं तो ये था सेटेरियस आप लोगों के लिए दिसंबर 2024 की लफ्ट आरो रीडिंग और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे बताएं